आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। आज का हमारा प्रश्न है, एक घड़ी एक दीवार पर टंगी है, इसमें संख्या के स्थान पर चिन्ह है, मतलब उसमें जो नंबर्स होते हैं, अंक होते हैं, वो नहीं है, उसमें चिन्ह है। इसके सामने वाली दीवार पर एक दर्पण है, ठीक है, एक दर्पण है। अब और जब घड़ी के समय को दर्पण में देखा जाता है, किसमें देख रहे हैं हम, दर्पण में देख रहे हैं, तो यह 8:20 होता है, यानी कि 8:20 होता है। तो घड़ी में वास्तविक समय क्या है, ये हमें ज्ञात करना है। इसके उत्तर के लिए हमें चार विकल्प दिए हैं, 3:40, 4:40, 5:20 और 4:20। तो देखो, एक घड़ी है, पहले हम ये समझते हैं कि पार्श्व परावर्तन क्या होता है, पार्श्व परिवर्तन। तो देखो, मान लो ये कोई इंसान है, ठीक है, इसके ये दो हाथ हो गए, है ना, समझ लेते हैं। तो ये इंसान इस हाथ में कुछ रखा हुआ है, यानी कि ये इसका कौन सा हाथ हो गया, दाया हाथ हो गया। अब यहाँ सामने एक दर्पण है, ठीक है, अब ये इंसान इस दर्पण में अपने आप को देख रहा है, ठीक है। तो ये कौन सा दर्पण है, ये है अपना समतल दर्पण। समतल दर्पण में क्या होता है, पार्श्व परिवर्तन हो जाते हैं। तो ये जो चीज़ ये इस हाथ में रखा हुआ है, वो समतल दर्पण में से इस हाथ में रखा हुआ है, यानी कि दाएं की जगह बाएं हाथ में रखी हुई दिखाई पड़ती है, इसको बोला जाता है पार्श्व परिवर्तन। तो यहीं पर इस घड़ी के साथ भी यही हुआ है, जो सामने दर्पण टंगा हुआ है वो भी एक समतल दर्पण है, ठीक है। और उस दर्पण में कितना टाइम दिखा रहा है, कितना समय दिखा रहा है, दिखा रहा है वो 8:20 होता है। यानी कि अब हम देखते हैं, ये घड़ी है, ठीक है, और समतल दर्पण में एक और बात, सिर्फ क्षैतिज परिवर्तन होता है, यानी कि इधर का इधर दिखाता है, ना कि ऊपर का नीचे और नीचे का ऊपर, मतलब इसमें ऊर्ध्वाधर परिवर्तन नहीं होता है, सिर्फ क्षैतिज परिवर्तन होता है। तो एक घड़ी है मान लेते हैं हम, ठीक है, ये इसमें 3 है, ये इसमें 9 है, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है, ये घड़ी समझ लेते हैं, ये 12, ये 3, ये 6, ये 9, है ना। तो अब देखो कितने बज रहे हैं प्रतिबिंब में, हम देखते हैं ये प्रतिबिंब है अपना, ठीक है, प्रतिबिंब में हम देखते हैं कि घड़ी में कितना बज रहा है, 8:20 हो रहा है। तो 8 कब बजते हैं, ये है अपना 8, क्योंकि ये 9 है, तो 1 कम, तो 8:20 हो रहा है, 20 हो रहा है, ये 15 हो जाता है और ये 20 हो जाता है। तो ये दिख रहा है अपन को किस चीज़ में, ये अपन को दिख रहा है दर्पण में। अगर अपन इसका प्रतिबिंब, सॉरी, वस्तु अगर अब हम बनाते हैं कि इसमें सही टाइम कितना होगा, तो क्या बनेगा, इसका भी पार्श्व परिवर्तन हो जाएगा, है ना, यानी कि जो इधर साइड है वो इस साइड आ जाएगा, इस साइड वाला, और जो इस साइड है वो इस साइड चला जाएगा। तो हम इसको बनाते हैं, ये है अपना 12, ये है 3, ये है 6 और ये है 9, ये 8, 7, 5, 4, ये 2, ये 1 और ये 10 और ये 11। तो देखो 8:20 हो रहा है, तो इस साइड की जो सुई है वो इधर दिखेगी और इधर साइड की इधर दिखेगी। तो हमें कुछ नहीं करना, ये वाली अपनी घंटे वाली सुई है और ये मिनट वाली है। तो अब हम क्या करेंगे कि ये जो मिनट वाली सुई है वो इस तरफ ले आएंगे, यानी कि बड़ी सुई जो है वो इधर आ गई और जो छोटी सुई है वो इधर आ गई, ठीक है। तो अब अपना ये जो टाइम है, ये जो समय है, वो कितना हो रहा है, वो अपना हो जाएगा 12, 1, 2, 3, 3 ये हो गया, और उसके बाद यहाँ से 3:00 हो रहा है, ये यहाँ पे अपन कितना गिनते हैं, 40 गिनते हैं, क्योंकि 9:45 होता है, तो इसका समय आ जाएगा 3:40। अब हम विकल्प देखते हैं, तो विकल्प के हिसाब से जो हमारा पहला विकल्प है वो सही उत्तर होगा। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE, मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।